जो एक्सपीरियंस रहा है पिछले 1 साल का, वो ये कहता है कि जब हम फ्रेश एप्लीकेशन पुट करते थे तो उसके ऊपर 75 to 90 days लगते थे, अब उसके ऊपर 60 to 75 days लग रहे हैं। बट जब रीफाइलिंग करते हैं तो वो 30 to 45 days में रिजल्ट आ रहा है। सो उसको देखते हुए आज हमारे पास टेंटेटिवली 50 दिन का टाइम पड़ा। सो स्टूडेंट्स, आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस आई कैन गाइड यू कि अगर आपका इमीडिएट रिफ्यूज़ल आया है, अभी आया है, और आप कुछ डॉक्यूमेंट्स इमीडिएटली अरेंज कर सकते हो। सपोज़ काफ़ी जगह पे ऐसा होता है बच्चों ने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाए होते हैं, या रिफ्यूज़ल में कोई फॉर्म में गलती हो जाती है, या SOP सही नहीं बनी होती है, तो वो इमीडिएटली रीफाइलिंग कर सकते हैं। पर अगर आपने कोर्स और कॉलेज गलत चूज़ किया हुआ है, तो उन सारे बच्चों को मेरी एडवाइस रहेगी कि वो अपना कोर्स और कॉलेज से ही चूज़ करें, और सही ढंग से फिर दोबारा मई या सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई करें। इमीडिएटली कहें तो वही बच्चे रीफाइलिंग कर सकते हैं जिनका कोर्स और कॉलेज सही है। सो देखो, हमारे पास जो डिपार्टमेंटल वाइज, हर डिपार्टमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट है, एडमिशन अलग है, फाइलिंग अलग है, SOP अलग है, JIC अलग है, फी डिपॉजिट अलग है। सो उसके पीछे यही रीज़न है कि जो सारे डिपार्टमेंट्स हैं मेरे, वो सारे क्लाइंट्स को डिपार्टमेंट वाइज ही हेल्प करते हैं। सो वही रीज़न रहता है कि हम जब रिफ्यूज़ल आ जाती है, हमारे पर्सनल केसेस को भी रिफ्यूज़ल आ जाती है। मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास सारे वीज़ा ही आते हैं, मेरे पर्सनल केसेस के भी जब रिफ्यूज़ल आ जाती है तो वी वर्क ऑन दैट फाइल कि क्या रीज़न था इसके रिफ्यूज़ल आने का, और उसकी SOP पे दोबारा काम किया जाता है। जब हम उसके SOP पे दोबारा काम करते हैं तो उसका वीज़ा, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनका वीज़ा लग के आ जाता है। सो यही रीज़न रहता है कि हम कोशिश करते हैं। हाँ, अगर कोई उसकी फाइल में डॉक्यूमेंट मिसिंग है, सपोज़ बच्चे ने कहा था कि मैं बैंक स्टेटमेंट दे सकता हूँ, पर कई बार बच्चे लेजी हो जाते हैं कि रहने दो, बैंक स्टेटमेंट के बिना ही लगा दो, और फादर की ITR दे सकता हूँ पर ज़रूरत ही नहीं है, मेरे तो 8 बैंड है। सो कई बार अगर ऐसे बच्चे को भी रिफ्यूज़ल आ जाती है, देन वेन ही गेट्स रिफ्यूज़ल, फिर वो सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके लाता है। सो जो अगर हमको लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स भी लग सकते हैं, तो वो भी हम बच्चे को गाइड करते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स आप एक्स्ट्रा लगाएं, और वो फाइल फिर दोबारा सही ढंग से प्रिपेयर करके जब हम लगाते हैं तो रीफाइलिंग में बहुत अच्छा वीज़ा सक्सेस रेट मिलता है बच्चों को।